स्वागत करती हूँ आपका अपने इस प्रोग्राम में, जहाँ पर हम बात करते हैं मूवी पल पल दिल के पास को लेकर, जिसमें करण देओल जो है वो अपने आने वाली फिल्म पल पल दिल के पास से डेब्यू करने जा रहे हैं, तो वहीं शहर बाम्बा भी इस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम मूवी पल पल दिल के पास से जुड़े सारे अपडेट्स को लेकर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो मूवी है वो 20 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसमें बॉलीवुड सितारों का रिस्पांस भी नजर आया था। तो वहीं हाल ही में खास बातचीत हुई है, सनी देओल और करण देओल मौजूद थे, साथ ही शहर बाम्बा भी मौजूद थी। इस बातचीत में सनी देओल ने काफ़ी बातों का खुलासा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जो लोकेशंस है वो काफ़ी अच्छी है इस मूवी में। जो लोकेशंस है वो ली गई हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को लेकर। तो वहीं आपको बता दें कि अब जब नाम लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का आ रहा है, तो ये तो तय है कि इस मूवी में जो लोकेशन है वो काफ़ी खूबसूरत है। अब पहाड़ों की वादियाँ जो हैं इसमें, तो ये यहाँ के जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शहर बाम्बा भी इस फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं अगर पूछा गया सनी देओल से इस फिल्म को लेकर, तो सनी देओल ने कहा कि इस फिल्म को लेकर वो एक्साइटेड तो हैं लेकिन नर्वस भी हैं। अब भाई नर्वस क्यों ना हो, आखिर बेटे की पहली मूवी जो आने वाली है। हालांकि वो इसके प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बेटे की पहली फिल्म है तो जाहिर सी बात है वो नर्वस होंगे ही, क्योंकि देखा जाए तो करण देओल जो हैं वो इस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं, यानी कि फिल्म जगत में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि धर्मेंद्र और दादा धर्मेंद्र और सनी देओल, पिता सनी देओल के नक्शे कदम पर चल रहे करण देओल बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा पाएंगे या नहीं। वहीं अगर बात करें इस मूवी को लेकर, तो जैसा कि पहले लॉन्च हुआ था इसका ट्रेलर, तो उस पर बॉलीवुड सितारों ने भी काफ़ी रिस्पांस दिया था। तो वहीं देखा जाए तो सलमान खान ने भी ट्वीट कर कहा था कि जो करण देओल की फिल्म है वो आने वाली फिल्म, उसमें कहा जाए तो ये पीढ़ी का सबसे बड़ी प्रेम कहानी होगी। तो वहीं अक्षय कुमार ने कहा था कि इस ट्रेलर को देखकर कि जो ये फिल्म है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक होगी। तो वहीं अगर बात करें इस फिल्म को लेकर, फिल्म के ट्रेलर को लेकर, तो जहाँ तक ट्रेलर देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि करण देओल के जो एक्सप्रेशंस रहे हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अगर आप शहर बाम्बा की बात करें, शहर बाम्बा इस फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। हालांकि उनका भी ये फिल्म जगत में पहली मूवी होगी, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। वहीं अगर ट्रेलर से अगर पता लगाया जाए कि मूवी कैसी होगी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और ये वाकई क्यूट और रोमांटिक होगी। जहाँ तक बात करें करण देओल की, तो वो हैंडसम के साथ साथ में वो क्यूट भी लग रहे हैं। वहीं अगर बात करें इस बातचीत में, जब बातचीत के दौरान सनी देओल से सवाल पूछे गए, तो सनी देओल ने कहा कि जब उनकी पहली फिल्म बेताब आई थी, तो उस समय भी सनी देओल के पिताजी धर्मेंद्र भी नर्वस हुए थे। हालांकि एक्साइटेड तो रहते हैं, लेकिन उस समय नर्वस भी होते हैं। तो सनी देओल ने कहा कि एक पिता बनने के बाद समझ में आता है कि ऐसे सिचुएशंस पे कैसा महसूस होता है। तो वहीं देखा जाए तो करण देओल की जो आने वाली फिल्म है पल पल दिल के पास, वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने वाली है। ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि वो बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाएगी। तो वहीं सनी देओल के फैंस के साथ साथ धर्मेंद्र के भी फैंस और करण देओल के भी फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। तो वहीं अगर आपको बता दें कि इस फिल्म की शुरुआत जो है वो 18 मई 2017 से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि ये जो फिल्म है उसको करण देओल के पिता सनी देओल ने डायरेक्ट किया है, और प्रोड्यूसर के तौर पर धर्मेंद्र जी ही रहे हैं, उनके दादा धर्मेंद्र जी। और देखा जाए तो दोनों ही दादा धर्मेंद्र और पिता सनी देओल दोनों ही इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर लगे हुए हैं।
वैसे देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं फैंस। अब सबको इंतज़ार है इस फिल्म का। आपको बता दें कि ये फिल्म 20 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा पाती है या नहीं। आगे और भी अपडेट्स आपके साथ आपके सामने हम लाएंगे। आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।